आज भाईजान की पिक्चर को सातवां दिन है थिएटर में और थिएटर में भाई का पावर बोल रहा है क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मूवी खराब होने के बावजूद भी दबादम नोट छाप रही है। जहाँ तक मैंने इस मूवी के रिव्यू देखे हैं सभी के रिव्यू खराब ही आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान अपने पहले दिन से लेकर इन सात दिनों में कितना कलेक्शन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी ने अपने पहले दिन एडवांस बुकिंग से 10 से 15 हजार टिकट सोल्ड किए हैं। मूवी ने अपने पहले दिन 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, लेकिन सलमान खान की पिक्चर के लिए 15 करोड़ का नंबर कितना कम है वो आप सोच भी नहीं सकते। सबको लगा कि मूवी 3 से 5 दिनों में खत्म हो जाएगी क्योंकि मूवी को एक बड़ी ओपनिंग नहीं मिली, लेकिन मूवी सेकंड डे 25 करोड़ रुपए का कारोबार कर डालती है और डे नंबर 3 को भी दूसरे दिन के आसपास यानी 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला। मूवी ने अपने चौथे दिन यानी सोमवार को 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया जो काफी इंप्रेसिव था और पांचवें दिन यानी मंगलवार को मूवी ने 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला। मतलब एक खराब मूवी होने के बावजूद भी मूवी ने अपने छठे दिन 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर दिखाया। देखा भाईजान का पावर। मूवी में 68% की ग्रोथ देखने को मिली है और अभी यानी आज सातवें दिन जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मूवी ने 5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और मूवी का जो टोटल बॉक्स ऑफिस नंबर है वो तो 92 करोड़ रुपए तक जा चुका है। चाहे पिक्चर अच्छी हो या बेकार, लेकिन सलमान खान की पिक्चर है जान के फैंस तो जाएंगे। मूवी का बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है जो कि किसी का भाई किसी की जान मूवी को 130 या 140 करोड़ रुपए का बिजनेस करना ही होगा और ये 140 करोड़ नंबर भाई के लिए ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर लोगों को किसी का भाई किसी की जान मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो नंबर 150 करोड़ रुपए तक भी जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कितना कमाएगी भाईजान की पिक्चर कमेंट सेक्शन में बताएं। भाईजान के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके